हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। एंड इन दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे मूवमेंट अक्रॉस द सेल, कैसे यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अक्रॉस द सेल। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिविजन ले लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक का। अगर आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर भी एक समराइज कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक को। ओके, जैसे हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है। इट ऑल्सो होल्ड्स द कंटेंट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द सेल ड्यू टू इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर, है ना। इसका सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर क्या डिसाइड करता है कि कोई भी मटीरियल सेल से बाहर नहीं आ सकता और किसी भी तरह का मटीरियल या टॉक्सिन सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, ये उसको कंट्रोल करती है कि कौन सा मटीरियल जो है अंदर जाएगा या सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर कैसे और कब आना है। ठीक है, अब ये मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं ये किसके थ्रू होता है, दैट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, अब बात आ जाती है डिफ्यूजन की, तो हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को ऐसे डिफाइन करते हैं द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन। मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टेंडेंसी है या आयंस की टेंडेंसी है हायर कंसेंट्रेशन के रीजन से मूव करना रीजन ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन की बात जब हम करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए पार्टिकल्स दिखाए हैं जो बहुत ही डेंसली एक दूसरे के पास हैं, है ना, हाई कंसेंट्रेशन है उनका। देन दे स्टार्ट मूविंग, वो स्प्रेड होना शुरू करते हैं और किस एरिया की तरफ, किस रीजन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लो कंसेंट्रेशन है, जहाँ पर उनको फैलने की जगह, स्प्रेड आउट होने की स्पेस मिलेगी। और तब तक वो स्प्रेड होते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस की स्टेट ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टूवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन, रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स आर नेवर स्टिल, पार्टिकल्स कभी भी स्टेबल एक जगह पे नहीं रहते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है दे मूव ऑल द टाइम, वो मूव करते रहेंगे। पार्टिकल्स मूव इन एवरी डायरेक्शन बट द नेट इफेक्ट इज दैट दे स्प्रेड फ्रॉम वेयर देयर आर अ लॉट टू वेयर देयर आर फ्यू। पार्टिकल्स जो है हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में दे आर फ्री टू मूव, और उसका नेट इफेक्ट क्या होता है, वो स्प्रेड होते हैं कहाँ से, जहाँ पर उनका नंबर ज़्यादा होता है, जहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और किस रीजन की तरफ, जहाँ पर बहुत कम उनकी कंसंट्रेशन होती है। मीन्स वो अपनी जिस जगह पे ज़्यादा होते हैं वहाँ से हटके जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन कम होता है उस रीजन की तरफ वो पहुँच जाते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अगर हम सिंपल एग्जांपल अगर लें, हम किसी रूम में अगर कोई परफ्यूम स्प्रे करता है तो हम देखते हैं परफ्यूम की बॉटल फुल ऑफ गैसेस होती है, उसमें भी एक तरह की गैस होती है। अगर किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, बॉटल जो थी वो फुल्ली कंसनट्रेटेड थी गैस से, जैसे ही हमने परफ्यूम की बॉटल को स्प्रे किया रूम खाली था और पूरे रूम में जो है उसका डिफ्यूजन हो जाता है। मीन्स पूरे रूम में जो है परफ्यूम की स्मेल स्प्रेड हो गई, दिस इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। ठीक है, अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, अपने घर का ले लीजिए, जब किचन में प्रेशर कुकर में कोई फूड आइटम जब कुक होता है और जैसे ही विसिल करती है, कुकर की जो विसिल है वो आवाज़ करती है, तो आप देखिए उसमें से जब वेपर्स निकलती हैं, जो महक आती है, उससे घर वालों को पता चल जाता है कि व्हाट इज़ कुकिंग इन द डिनर और लंच, है ना, आज क्या बनने वाला है। ठीक है, जो भी फूड आइटम कुक हो रहा होता है उसकी स्मेल पूरे घर में जो है वो स्प्रेड हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, या फिर आप एक कि आपकी बुक में, जो NCERT की बुक या CBSE की बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम किसी बीकर या जार या ग्लास में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, थोड़ा वाटर लेते हैं और उसमें 1 or 2 ड्रॉप जो है हम इंक की डाल देते हैं, स्याही की डाल देते हैं, ये देखिए। ठीक है, जब हमने इसमें 1 या 2 ड्रॉप इंक की डाली तो इंक ने जो है वो
उस पेन में जहाँ पे वो ज़्यादा थी वहाँ से वो वाटर में जो है उसने स्प्रेड होना शुरू किया, रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, और थर्ड में जाकर वो तब तक स्प्रेड होती रहेगी जब तक कि वो पूरी तरीके से उस बीकर या ग्लास का जो पानी है वो ब्लू कलर में चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक कि डिफ्यूजन की इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए तब तक वो जो है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन उस एरिया में उस वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ग्लास को किसी भी तरह से किसी भी उससे मिक्स करने की इंक को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, अपने आप ही पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं और एक इक्विलिब्रियम की स्टेट ले लेते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए, फैल ना जाए। अंडरस्टैंड? नाउ अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का क्या जो है नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। हम सबको पता है ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स देखें थ्री टाइप्स के होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इन गैसेस की जब हम बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्ट्रॉन्ग जो है वो कम होता है, सो दे कैन मूव फ्रीली, है ना। तो इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन वो अदर चीज़ों से, अदर पार्टिकल से, अदर मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम लिक्विड की बात करें जैसे वाटर, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो है इनके स्ट्रॉन्ग जो है वो लेस होता है, वो कम होता है, दे कैन मूव फ्रीली, ये भी इजीली जो है वो फैल सकते हैं। इन लिक्विड्स अगर हम वाटर की बात करते हैं, हमने देखा होगा अभी हमने इंक ड्रॉप डाली थी तो देखा था कि कितनी जल्दी उसमें जो है वो स्प्रेड हो गई इंक, तो दैट इज़ अ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर लेस स्टेशनरी, भाई सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल वी कैन से मूव नहीं कर सकते या उनके बीच में बिल्कुल डिफ्यूजन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? अब इसे इस एग्जाम्पल से समझिए, इन विच स्टेट आर मॉलिक्यूल्स एबल टू डिफ्यूज। पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें सॉलिड एक आइस बनी हुई है, तो हमने बताया ना कि आइस के बीच, आइस एक सॉलिड है तो उसके बीच के मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो दे कैन नॉट मूव, तो देयर विल बी अ नो डिफ्यूजन। देन बात करते हैं लिक्विड की, अगर हम टैप खोलें तो हम देखते हैं कि पानी जो है वो एकदम से बकेट में आने लगता है, यानी उनके बीच जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कम है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो आने लगता है, पानी जो है वो फैलने लगता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में भी अच्छी है। देन गैसेस की बात करते हैं, अगर आप कोई पानी बॉयल करें, सपोज चाय बनाने के लिए पानी बॉयल करते हैं तो हम देखते हैं कि वेपर फॉर्म में जो है वेपर्स आने लगती हैं, यानी जब पानी जब गैसेस फॉर्म में चेंज होता है तो वो ऊपर की तरफ आता है, यानी उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के जो बीच का बॉन्ड है वो बहुत कम है, है ना। तो गैसेस में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जैसे परफ्यूम का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ही स्प्रे करा सब तरफ उसकी स्मेल जो है वो स्प्रेड हो गई, ठीक है। देन हम इंक और वाटर की बात करते हैं तो वो धीरे 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 जो स्प्रेड होकर एक फाइनल मिक्स हो जाता है और पानी जो है इंक में, जो हमने इंक में डाली, जो इंक वाटर में डाली थी, पानी का कलर बिल्कुल ब्लू हो जाता है, और सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड में होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड किसके बॉन्ड वीक होते हैं, किसके स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि सेल में डिफ्यूजन कैसे होता है। सेल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्यों? बिकॉज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि सारी लिविंग बॉडी अगर हम देखें तो वो एक सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल का क्या फंक्शन होता है, हमने बताया था ना, इट परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शंस, है ना। हर बॉडी में सेल्स जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं, तो फिर जब डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करती हैं उनको हम सेलुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से उस सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसका बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ पे, उसका मतलब मीन्स हाई कंसेंट्रेशन में उसका इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर निकले, निकलना ज़रूरी होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर आएगी ही आएगी, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और हमें पता है डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज जो है हायर रीजन टू लो रीजन जाती हैं, हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करती हैं। तो जब सेल के अंदर या बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट फ्रॉम द सेल और द बॉडी, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूजन इन सेल। और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो बाहर से ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसेंट्रेशन की तरह, लो कंसेंट्रेशन की तरफ हमारी बॉडी में आती है, बाहर ज़्यादा है बाहर से अंदर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी के अंदर जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो बॉडी से बाहर चली जाएगी, तो दैट इज़ अ डिफ्यूजन इन द सेल।
आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डिफ्यूजन जो है क्या होता है. रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस जो भी एक डिफ्यूजन का ही टाइप है. विद एग्जांपल हम ऑस्मोसिस को समझेंगे. ठीक है प्लीज़ पूरे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिएगा आपको डिफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अंडरस्टैंड नाउ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो please like, share and subscribe.